Hello friends, welcome back to my channel, Let's Write Together. Today's video is about some summer activities. So, in this video, we will discuss some best activities to do in summer vacations, or we will discuss about some interesting and creative activities, or there are some tips how you can utilize your summer vacation in a very best way. So friends, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, बाद में शायद अप्लाई करना भूल जाओ. And must share this video with your friends ताकि वो भी अपना summer vacation अच्छे से utilize कर सके. और अगर आप नए हो मेरे channel पे या फिर अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया, then please do subscribe Let's Write Together for more videos and press the bell icon for all the notifications. और फ्रेंड्स, अगर आपको भी किसी टॉपिक पे ऐसे स्लोगन्स पोएम वगैरह चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. बेस्ट एक्टिविटीज़ टू डू इन समर वेकेशंस. फर्स्ट, इंगेज योर चाइल्ड इन एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड योगा, ताकि इससे आपके बच्चों की हेल्थ अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो, उनका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो, ताकि वो कोई भी आउटडोर गेम में पार्टिसिपेट कर सके या फिर अच्छा परफॉर्म कर सके. द सेकेंड एक्टिविटी इज़ बेसिकली अबाउट देयर हॉबीज़. उनकी हॉबी से रिलेटेड आप उन्हें कोई भी क्लासेस अटेंड कराएं, वो मे बी ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, वो आपके लिए जो भी कन्वीनियंट. अगर उनकी हॉबी डांसिंग है तो आप उन्हें डांसिंग की क्लासेस अटेंड कराएं, ड्राइंग, सिंगिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा. वो थर्ड, डू राइटिंग प्रैक्टिस. अपने बच्चे को डेली बेसिस पे एक वन पेज, वन एंड हाफ पेज, हाफ पेज जो भी उनकी एज है या फिर उनके टाइम टेबल, जितना भी उन्हें टाइम मिलता है उनके बेसिस पे, डेली बेसिस पे उनसे राइटिंग प्रैक्टिस करवाएं, ताकि उनकी स्पीड इंक्रीज हो, राइटिंग स्पीड इंक्रीज हो, हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो, और फिर इससे उनकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी. उन्हें नए नए वोकैब्स, नए नए वर्ड्स लर्न होंगे, उनकी मीनिंग्स लर्न होगी, और ऑब्वियसली आप जिस भी टॉपिक पे कराओगे उससे रिलेटेड उनकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी. द फोर्थ वन इज प्लांटेशन. आप उनसे प्लांटेशन कराएं, नॉट ऑन अ डेली बेसिस, बट आप उनसे एक दो सैपलिंग्स प्लांट करवाए और उनसे कहे कि वही उनके उनको लुक आफ्टर करे, वही उनको वाटरिंग करे, वही उनको कुछ भी अगर मैन्योर फर्टिलाइजर वगैरह देना है तो वही उनकी देखभाल करे. नेक्स्ट वन इज वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट. आप उनसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्रिएट करवाए. नेक्स्ट वन इज लर्न एनी फॉरेन लैंग्वेज. इससे उनकी वो लैंग्वेज तो ऑब्वियसली एक नई चीज़ वो सीखेंगे, उसके साथ साथ उनकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, और ऑब्वियसली ये उन्हें फ्यूचर में भी हेल्प करेगी. द नेक्स्ट वन इज प्लान अ शॉर्ट ट्रिप विद देम. आप उनके साथ एक छोटी सी ट्रिप प्लान करो, कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो सकती है, हिल स्टेशन हो सकते हैं, बीच वगैरह, कहीं भी आप जाओ. अगर आप हिस्टोरिकल प्लेस जाते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो भी वो मॉन्यूमेंट्स या फिर जो भी आप प्लेसेस विजिट करोगे उनके बारे में, हिस्ट्री से रिलेटेड उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन्स मिलेगी, एक रिफ्रेशमेंट भी होगा और उन्हें दूसरी तरह से एक नॉलेज भी मिलेगी. नेक्स्ट, लर्न वैदिक मैथमेटिक्स. ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आज का जो मैथ्स का सिलेबस है, बच्चों से, हर बच्चों से, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहे, तो ये उनके मेंटल कैलकुलेशन में भी हेल्प करेंगे, उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा, उनकी कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज़ होगी, एक्यूरेसी उनकी बढ़ेगी, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका मैथ्स इम्प्रूव होगा. द नेक्स्ट वन इज़ लर्न करेंट अफेयर. इससे उनकी अवेयरनेस इंक्रीज होगी, थोड़ा राइज होगा अवेयरनेस पे, तो ऑब्वियसली इनसे उनका जनरल नॉलेज इंक्रीज होगा. द नेक्स्ट वन इज मेक ओरिगामी क्राफ्ट. एज वी ऑल नो, ओरिगामी क्राफ्ट बहुत ही अच्छी चीज़ है. बेसिकली ऑब्वियसली एक तो ये काफ़ी सेफ होती है हर एज ग्रुप के लिए, हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए काफ़ी सेफ होती है, और इससे कोऑर्डिनेशन उनका इंक्रीज होता है, आई, माइंड, हैंड, इन सब चीज़ों में कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता है, उनका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होता है, उनमें क्रिएटिविटी आती है, जैसा मैंने लर्निंग भी है. तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको अपने बच्चों के लिए कौन से क्राफ्ट, कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट करना. और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.